हम सब ने रमजान मुबारक में एक महीने की रूटीन से एकदम से निकले और उसके बाद खूब मजे मजे के हम लोगों ने पकवान जो है वो तैयार करवा के खाए हैं इस ईद पर, अपनी तरफ से खूब इंजॉय करने का सोचा। लेकिन जब एक महीने की रूटीन को एकदम से चेंज कर दिया जाए ना, तो उसके साथ काफ़ी मसाइल भी जन्म लेते हैं और हमें उसका अंदाज़ा तब होता है जब हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस ईद पर भी लोगों ने खूब मज़ेदार और लजीज खानों को ना सिर्फ अपने दस्तरखान की जीनत बनाया बल्कि बसियार खोरी से भी परहेज़ नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में गेस्ट्रो की शिकायत पैदा हुई हैं और उनकी ईद का मज़ा किरकिरा हो गया। गुज़श्ता 3 दिनों की अगर बात की जाए ना, तो इन 3 दिनों के दौरान लाहौर के हस्पतालों में 3000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो गेस्ट्रो के और डायरिया के रिपोर्ट हुए। तो ये बीमारी एक्चुअली है क्या और इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है और कौन कौन सी गिज़ाओं से हम इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उवैस आबिद हैं, गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उवैस, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और गुज़श्ता ईद मुबारक, आपको कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और जो बीमारियां आपने बताई हैं अल्लाह का शुक्र है उससे बचे हुए हैं अभी तक। और बहुत शुक्र है कि हम लोग अभी बचे हुए हैं, लेकिन हमारे तरफ और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने एहतियात नहीं की है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में जो है इलाज करवा रहे हैं। तो मुझे बताइए, जैसे ही ईद आती है और ईद के मौके पर या वैसे भी हम देखते हैं, तो ये केसेस जो हैं खासतौर पर गेस्ट्रो के केसेस में क्यों इजाफा होता जाता है? जैसे मैं अभी बता रही थी कि ईद के 3 दिनों में हमारे जो लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें 3000 केसेस जो हैं इसके रिपोर्ट हुए, इसकी क्या वजह है? बेसिक वजूहत तो हमारी रूटीन का शिफ्ट है, आपने बड़ा वो डिटेल से एक्सप्लेन किया, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाऊँगा, लेकिन लेट्स जस्ट रीकंसिडर कि रमज़ान के महीने में होता क्या रहा। स्लीप डिस्टर्बेंसेस थी ऑब्वियसली। अब शायद हम एक ऐसे लाइफस्टाइल को अप्रोच कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे घरों में, शायद मेरे अपने घर में भी, अब सहरी तक जागना जो है एक रूटीन बन गया। अब जब सहर तक जागा जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो सहर का खाना है उसमें आप ओवर ईटिंग करके, और ख़ास तौर पे ये वो खाना है जिसमें आप एंड में पानी ज़रूर पीते हैं, विच इज़ यूजली अवॉइडेड ना, मतलब आप बाकी खानों पे। तो बहुत सारे लोगों से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं कि जी हम नमाज पढ़ के फ़ौरन सो जाते हैं, तो एक आधे घंटे का वक्फा होता है। अच्छा, तो ये जो स्लीप डिस्टर्बेंस इटसेल्फ है, ये हार्मोनल जो है वो आपके डिस्टर्बेंसेस करता है, विच यू नो अल्टीमेटली लीड्स टू वेट गेन एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हमारे सहर और अफ्तार के खाने जो हैं वो हमारे एक्स्ट्रा जो फैट है वो एक्युमुलेट हम कर लेते हैं, उस पर जो रही सही कसर है वो, चूँकि हम अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रिक्रिएशन का सोर्स शायद एक यही रह गया है कि ईद पे गेट टुगेदर होता है और हम या तो बाहर खाना खाने चले जाते हैं या किसी को इनवाइट कर लेते हैं, घर पे बुला लेते हैं। तो वो जो चटपटे खाने और हमारे साउथ ईस्ट एशियन खाने जो हैं वो वैसे ही मशहूर हैं कि जितने स्पाइसेस शायद हम यूज़ करते हैं दे नॉट यूज्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारे फैक्टर्स हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा पहले ही स्लो हुआ होता है बिकॉज ऑफ रमजान, हमारी स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से वेट गेन हम पहले ही कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर जब हम फ़ौरन से ईद के दिनों में जब इस तरह के खानों में जब हम जाते हैं तो उससे ऑब्वियसली इट इज़ बाउंड टू हैपन। अब स्पीकिंग अबाउट गैस्ट्रो एंड डायरिया, ये सारा कुछ जो है इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू सीज़न ना, मतलब सीज़न की जो वेरिएशन है, यू डोंट एक्सपीरियंस दिस इन अर्ली फरवरी और मार्च, तो यही सीज़न है जहाँ पे हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी वैक्सीन टाइम पे लें, वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर टाइफॉइड एंड कॉलरा और सारा कुछ, ताकि आप इन आउटब्रेक से जो है वो बच सकें। यू राइटली पॉइंटेड आउट, हमने बहुत सारे मरीज़ देखे हैं अस्पतालों में, सारों में उनका अपना कसूर था ऑब्वियसली, और बाहर के खाने और कभी घर के खाने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अवॉइडेबल भी थी, मसलन अगर साफ पानी का इस्तेमाल किया जाता तो शायद इसमें बहुत कमी आ जाती, अगर जो है सैनिटेशन, मतलब अब जब डायरिया की ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं ना, इट्स नॉट अ लोकल, यू नो लोकल पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपकी जो सर्वेलेंस है वो बहुत ज़रूरी है, सैनिटेशन का जो डिस्पोजल है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब इस तरह की आउटब्रेक्स जो है वो बहुत सारी उसके अंदर इन्वॉल्व। लेकिन अगर मैं गेस्ट्रो के बारे में पूछूं उधर हकीकत, तो बहुत से आसान अल्फाज में अगर आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त देख भी रहे होंगे ताकि उनको पता चल जाए कि इसकी अलामत क्या होती है और दर हकीकत ये बीमारी है क्या, कि उनको पता चल जाए अगर इस तरह की अलामत खुदा ना खास्ता हमें आ रही हों तो हमें पता चल जाए हम गेस्ट्रो की प्रॉब्लम में मुब्तला हो रहे हैं। बेसिकली गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंटेराइटिस इज समथिंग दैट वी स्पीकिंग अबाउट, ओके, इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है हमारी स्टमक की लाइनिंग की और इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग की, इसका रीज़न हमेशा कोई बैक्टीरिया या वायरस होगा, एंड वी शुड यू नो असर्टेन इट, क्योंकि हमने जो ट्रीटमेंट इसका करना है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एंटीबायोटिक की सिलेक्शन बड़ी अच्छी करें,
वरना समटाइम्स द एंटीबायोटिक्स दे विल इटसेल्फ लीड टू डायरिया ना, मतलब उसके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके ठीक है. तो कॉज असर्टेन करना बड़ा जरूरी है. अब ये जो इन्फ्लेमेशन है हमारी स्टमक की लाइनिंग की, ऑब्वियसली इसके साथ खाने को हजम करने के मसाइल पैदा होंगे. पीपल विल प्रेजेंट विद वॉमिटिंग, उनका खाना ओरल इनटेक बहुत कम हुई होगी. जो हमारे पास लोग प्रेजेंट किए हैं बहुत ज़्यादा डायरिया के साथ प्रेजेंट किए हैं. okay. और डायरिया बिल्कुल वाटरी था, उन प्रोफ्यूजली वो स्वेट कर रहे थे, डिहाइड्रेशन उसकी वजह से हुई. और जो बहुत सारे मसले हुए इस दफ़ा, लेट मी जस्ट ऐड इट, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुई, कुछ मौसम भी ऐसा था कि उनके किडनीज और उनके जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए. वी डिड सी पेशेंट्स जिनका क्रिएटिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन. तो अब इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपने खाने की रूटीन अपनी चेंज करनी है, बाहर से खाना अवॉइड करना है, आपने कोशिश करनी है कि साफ पानी का इस्तेमाल करें जिस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकें. और बॉइलिंग वाटर जो है वो मेरा ख्याल एक सबसे जो बेसिक चीज़ है हम कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट अफोर्डिंग मिनरल वाटर और सारा कुछ. तो जो वाटर सप्लाईज अक्सर लोगों से हम जब बात करते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं कि आपका जो वाटर स्टोरेज है उसको आपने कब साफ़ किया, तो जवाब तो यही मिलता है कि जी हम तो वो पानी पीते ही नहीं है, वो तो कहीं फिल्टर से आता है. वज़ू करते हुए कभी नहाते हुए जो है वो पानी थोड़ा बहुत आपके अंदर चला जाता है, समटाइम्स ये काफ़ी होता है प्रॉब्लम कॉज करने के लिए. एंड फिल्टर्स भी आप देखें, मतलब बहुत सारे फिल्टर्स जो हैं वो तो बहुत साफ़ पानी नहीं दे रहे होते. तो क्लीन वाटर प्रोविजन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन. तो साफ़ पानी के साथ और अच्छा खाना खाने के साथ हम इन बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं. लेकिन मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग हैं ईद के बाद उन्हें अक्सर पेट की दर्द की शिकायत करते हैं, कि ये भी गैस्ट्रो की वजह से है या किसी और वजह से हो सकती है? इसमें हमें हमेशा कैटेगराइज करना पड़ेगा ऐसे लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. अच्छा. फॉर इंस्टेंस डायबिटिक पेशेंट्स अगर पेट की दर्द के साथ आएंगे तो उनमें आमतौर पर गैस्ट्रो वजह नहीं बनती है. उनमें एक टर्म हम यूज़ करते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी या गैस्ट्रोपेरेसिस कुछ लोगों में होता है, जो कि मैदे की एक अलग सी बीमारी है. अच्छा, यस, एब्डोमिनल पेन इज अ सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस. बहुत सारे लोग एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेंगे, लेकिन आम तौर पे मतलब यू नीड टू सर्टेन दिस ना, कि आपने देखना है कि पेट की दर्द की असल वजह क्या है. क्या पैनक्रियाटाइटिस तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, मतलब हम उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस लेबल तब करें जब कोई एक्यूट फूड इनटेक थी और उसके बाद उनको कोई डायरिया और नौजिया और वॉमिटिंग जो है उसके अच्छा, साथ थी. लेकिन ईद के बाद बहुत सारे लोगों का गर्ड जो है वो बहुत सीवियर हो जाता है और एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं. कभी कभी उनकी रिफ्लक्स डिजीज जो है, गैस्ट्राइटिस जो है वो बहुत सीवियर हो जाता है. ये जो भी हमने नींद की रूटीन की बात की, बॉडी परसीव करेगा कम नींद को एज एनजाइटी. तो एनजाइटी कभी कभी एक वजह बनता है. बहुत सारे लोग तो आईबीएस के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनको बहुत सारे और सिम्टम्स होते हैं. तो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. येस, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ आउटब्रेक जिस तरह भी है कि डायरिया बहुत कॉमन है, आपने खुद रिपोर्ट किया वो, तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन कॉजेज हैं वो तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस ही हैं.